Namaste. I'm Janvi, an MBBS student from BRD Medical College, Gorakhpur. October शुरू हो गया है तो मैंने सोचा कि कुछ याद दिला दूं. जो नया साल शुरू हुआ था ना 2024, जिसमें हमने सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, इस साल तो मेरी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें बता दूं जो अगर आप अभी से भी फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी. पहली चीज़ है मेडिटेशन. ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस आपको एक्सपीरियंस होंगे अगर आप कंसिस्टेंटली मेडिटेट करेंगे. नहीं बिलीव है तो एक हफ्ते करके देख लो. नेक्स्ट इज लर्न टू सेट बाउंड्रीज. आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी सेल्फिश होके अपने बारे में सोचना पड़ेगा. एक डूबता हुआ इंसान दूसरे डूबते हुए इंसान को नहीं बचा सकता है, एक को स्विमिंग आनी चाहिए. लर्न टू सेट बाउंड्रीज, ना कहना सीखें, अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाएं. नेक्स्ट इज स्टार्ट सिटिंग इन साइलेंस. 15 मिनट बिना फ़ोन बिना लैपटॉप के खुद के साथ बैठो और देखो दिमाग कहाँ भाग रहा है. अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो. नेक्स्ट इज लर्न एक्सेप्टेंस. मेरी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट इज़ व्हाट इट इज़. अब सोचो आगे क्या करना है. सपोज एक एग्ज़ाम है जिसमें मैं बेटर नहीं कर पाई और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उस समय मैंने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सारे दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ. मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की थी जिसकी वजह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ. स्टार्ट सेइंग इट इज़ व्हाट इट इज़. नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग. क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम बहुत ऊपर ऊपर से कंपेयर करते हैं. हमें नहीं पता होता है कि सामने वाले की लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है. हम सिर्फ उसे एक सोशल मीडिया पोस्ट या फिर किसी अचीवमेंट से कंपेयर करते हैं. अगर कंपेयर ही करना है तो सारे पैरामीटर्स देखो ना. यू डोंट नो अबाउट हिज हेल्थ, यू डोंट नो अबाउट हिज फैमिली बैकग्राउंड, यू डोंट नो अबाउट हिज पास्ट ट्रॉमा. नेक्स्ट थिंग इज चेंज योर वोकैबुलरी फ्रॉम आई हैव टू आई चूज टू. ओ माय गॉड आई हैव टू स्टडी. नहीं, आई चूज टू स्टडी, आई चूज टू मेडिटेट, आई चूज टू बी हैप्पी. नेक्स्ट थिंग इज एफर्मेशंस. तो हम जो भी बोलते हैं ना वो हमारी एफर्मेशंस होती हैं. यार एफर्मेशंस तो मेरे ऊपर काम ही नहीं करती हैं. एफर्मेशन, मेरा तो लक ही खराब होता है हमेशा. एफर्मेशन, मैं जो भी सोचती हूँ हमेशा उसका उल्टा हो जाता है. अगेन इट इज़ अ एफर्मेशन. तो आप जो भी बोल रहे हैं उसे थोड़ा कॉन्शियस होकर बोलना शुरू करें. अफर्म गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. आप अपने बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा. द नेक्स्ट थिंग इज फॉरगिव. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू होल्ड ग्रजेस. माफ़ करो और आगे बढ़ो. जो भी हम अपने मन में ये ग्रजेस रखते हैं ये अल्टीमेटली हमारे लिए ही हार्मफुल होते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज थैंक यू. स्टार्ट योर मॉर्निंग्स विद थैंक यू. जब उठे तो कहें शुक्रिया. डोंट एवर फॉरगेट थैंकिंग गॉड. इट जस्ट अपलिफ्ट्स योर मूड. मतलब आपका जोन ही बदल जाता है. तो द नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अपने आप से बड़ी बड़ी बातें करो. मैंने एक रील देखी थी जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी. इट वॉज लाइक कि से दिस टू योर सेल्फ, आई वॉन्ट अ बिग लाइफ, आई वॉन्ट टू अचीव एवरी थिंग, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई डिजर्व द बेस्ट. तो स्टार्ट सेइंग दीज थिंग्स ऑन डेली बेसिस. द नेक्स्ट थिंग इज मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्ट गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. तो स्टार्ट थिंकिंग कि तुम्हारे साथ बहुत 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 अच्छा होगा. मैनिफेस्ट इट. लाइफ में कभी भी कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं. थिंग्स आर मेंट टू बी लाइक दैट. और अगर चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो ये एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है. द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्शियस कंटेंट कंजप्शन. आप दिन भर रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हो, कुछ भी देखे जा रहे हो, दिमाग में नेगेटिविटी डाले जा रहे हो, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें आपके बिहेवियर में आपकी पर्सनैलिटी में आएंगी ही. सो बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट वॉट यू कंज्यूम. तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. And please do like, share and subscribe for more such videos.